संध्या क्लासेस आप लोग आपका हार्दिक स्वागत करता है। आज हम बात करेंगे एक्सेल में बिल इनवॉइस को कैसे बनाया जाता है एक्सेल में। इससे पिछली वीडियो में हमने अटेंडेंस शीट, वी लुकअप, एच लुकअप और आपका टैक्स टू कॉलम, अटेंडेंस, ये काफ़ी शीटें हमने आपको इसमें सिखाई थी दोस्तों। ठीक है, आपको वीडियो कैसी लगी दोस्तों वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। आइए चलते हैं अपना बिना समय गवाए अपनी अगली वीडियो की तरफ। आज हम लोग सीखेंगे इसे बिल इनवॉइस कैसे बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको अपनी संस्था या जिस भी नाम से आपको बिल बनाना है उस संस्था का यहाँ पे नाम लिखना है दोस्तों। जैसे हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं संध्या क्लासेस हापुड़। ठीक है दोस्तों, दूसरी कॉलम में आपको इसका एड्रेस लिखना है, स्वर्ग आश्रम रोड हापुड़। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखना है आपको बिल इनवॉइस। ठीक है दोस्तों, यहाँ आपको लिखना है प्रोडक्ट, अगले सेल्स में लिखना है प्रोडक्ट आईडी और यहाँ लिखना है आपने क्वांटिटी। ठीक है, और यहाँ पे लिखना है आपको यूनिट कितनी सेल्स। अगले में यहाँ पे लिखना है आपको टोटल। ठीक है दोस्तों, इन दो सेल्स, तीन सेल्स को यहाँ पे आपको करना है सेलेक्ट, यहाँ पे आपको करना मर्ज अक्रॉस। ठीक है दोस्तों, अब इन दो सेल को यहाँ पे इसको साइज हमें इसका बढ़ाना है और यहाँ से हमें फॉन्ट चेंज करना है। ठीक है दोस्तों, अब आपको ये कॉलम्स सेलेक्ट करनी है और यहाँ से आप अपनी इच्छा से इनका साइज बढ़ा सकते हो जो भी आप रखना चाहते हो। ठीक है दोस्तों, ये रहा, और यहां से इसका भी साइज हम लोग बढ़ा लेते हैं बिल इनवॉइस, ये रहा, और यहां से इसका साइज बढ़ाने के बाद यहां से बोल्ड इसका थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। कंट्रोल सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद ऑल बॉर्डर और यहाँ पे इनको सेंटर और मिड कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आपको प्रोडक्ट लिखना है, जैसे टीवी, डीवीडी, एलसीडी, प्रिंटर, माउस, स्पीकर। ठीक है दोस्तों, यहाँ प्रोडक्ट आईडी, जो भी आपकी आईडी होती है यहाँ पे ट्रैक करके करेंगे। यहाँ क्वांटिटी, जो भी क्वांटिटी है दोस्तों वो आपको टाइप करनी है। ठीक है, यहाँ पे यूनिट प्रति सेल्स के एक प्रोडक्ट को आपने कितने रुपए का बेचा, जैसे यहाँ पे टीवी है दोस्तों तो ये हमने 8,000, डीवीडी, यहाँ पे एलसीडी, प्रिंटर, माउस, यहाँ पे स्पीकर। ठीक है दोस्तों, यहाँ टोटल के लिए एक फॉर्मूला लगना है दोस्तों, इक्वल क्वांटिटी को सेलेक्ट करना, मल्टीपल साइन, यूनिट्स प्रति सेल्स, देन एंटर। ठीक है दोस्तों, आ गया। ठीक, अब हमें यहाँ पे लिखना है दोस्तों टोटल अमाउंट। ठीक है, टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट, फिर आपको यहाँ डिस्काउंट अगर देना है, ठीक है, तो आप यहाँ डिस्काउंट भी दे सकते हैं। ठीक है, 20% का देना हमें। ठीक, यहाँ पे फिर आपका सब टोटल आएगा दोस्तों, सब टोटल। ठीक है, सब टोटल के बाद अगर आप इसमें जीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी कुछ भी लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। जैसे हम लोग लगाएंगे यहाँ पे एसजीएसटी, कितने लगाना है वो लगाना हमें 9% से। ठीक है दोस्तों, CGST भी हमें लगाना है, वो भी 9% से लगाना हमें। ठीक है, यहाँ पे टोटल पे, टोटल पे। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना है, यहाँ इन्हें सेलेक्ट करना है दोस्तों। सेलेक्ट करने के बाद हमें होम और यहाँ पे मर्ज अकाउंट्स। ठीक है दोस्तों,
थोड़ा सा एक छोटा ये ठीक है बोल्ड, इसे थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं रहा और बोल्ड। ठीक है दोस्तों, यहाँ फॉर्मूला जो लगना है ठीक है, यहाँ पे लगना है दोस्तों इक्वल सम मेरा और जो टोटल आया था उसको हमें यहाँ पे जोड़ना है। ठीक है, अब डिस्काउंट हमें 20% देना। ठीक है, तो 20% के लिए इक्वल टोटल सेलेक्ट करना मल्टीपल और यहाँ 20 देन परसेंट देन एंटर। ठीक है, सब टोटल जो भी आपका टोटल है वो डिस्काउंट है, डिस्काउंट को माइनस करना है टोटल में से, इसके लिए इक्वल टोटल अमाउंट माइनस जो आपने डिस्काउंट दिया था वो। ठीक है दोस्तों, अब आपको लगाना है SGST, SGST जो लगना है वो लगेगा दोस्तों सब टोटल बराबर सब टोटल मल्टीपल साइन 9% लगना, तो 9% देन एंटर। ठीक है, CGST इक्वल सेम सब टोटल मल्टीपल साइन 9 और परसेंट देन एंटर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे टोटल कॉल सम सब टोटल और आपका SGST और CGST। ठीक है दोस्तों, ये रहा आपका। ठीक है, इन्हें भी आप थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, ये रहा। अब इसमें हम इसका बिल इनवॉइस, अब यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मेटिंग इसको कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे, और यहाँ इसका कलर थोड़ा अच्छा सा लगेगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे दूसरा कलर ले लेते हैं दोस्तों, और आपका यहाँ से कलर येलो। ठीक है, यहाँ आप ले लेते हैं दूसरा कलर कोई अच्छा सा लगे, चलिए इसे ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ कलर लेते हैं हम वाइट, इसको कर लेते हैं बोल्ड। आ गया, इसे करने के बाद यहाँ हम लेंगे फिर से येलो कलर, येलो में फिर से लेंगे रेड। ठीक है, यहाँ से फिर हम इसको करना है हमें सेलेक्ट, सेलेक्ट करने के बाद येलो और रेड। ठीक है दोस्तों, इसको भी हमें करना है येलो और रेड, इतने पार्ट को करना हमने ग्रीन। ठीक है दोस्तों, इसको करेंगे हम लोग ग्रीन, अगर अच्छा लगा तो लगेगा। यहाँ से बोल्ड है ही ये, और इस सारे को सेलेक्ट करना है, और यहाँ से हम लेंगे कोई दूसरा कलर, अच्छा सा कलर येलो ही ले लेते हैं दोस्तों, और इसमें भी रेड करते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक इसी तरह से आप अपना कोई भी इनवॉइस बना सकते हैं दोस्तों। ठीक है।